दिल्ली में बुजुर्ग व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सारथी मोहल्ला में गल्ला व्यापारी ढींगड़मल घर के पास ही आरोपियों ने धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस को घटनास्थल पर एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जो आरोपियों का था। पुलिस ने इसी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि वो गल्ला व्यापारी के घर के सामने गांजा पीता था, जिस पर वो आए दिन डांट डपट करता था। इसी बात को लेकर उसने हत्या कर दी है। सुबह 5:30 बजे की है, ये पड़ाव चौक के आसपास से। जैसे ही घटना की सूचना मिली, थानेदार एसडीपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, मैं खुद घटनास्थल गया, घटनास्थल पर मुआयना किया। देखा कि वहाँ पर डिगरमल जैन, जो उम्र करीबन 75 से 80 साल के आसपास का था, जिसका धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उस घटना को बहुत निंदनीय है। मैं पुलिस अधिकारियों को पूरा निर्देश दिया कि घटना का पूरा तहकीकात करो, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया उसको तहकीकात करो, और जिसके द्वारा जो हमारे जोखिम तक तत्परता दिखाया, पूरे सीसीटीवी कैमरा पर जो है खंगाला। खंगालने के बाद में दो संदेही दिखे, जिसके आधार से संदेही को फिर पकड़े। पकड़ने के बाद में उसे पूछताछ किया, उसने अपराध का पूछ दिया। रघुवीर निषाद,